जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे से यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आज है विजयदशमी का दिन और साथ ही साथ है आज दुर्गा विसर्जन का दिन। तो मैंने एक पार्सल मंगवाया था मीशो से, तो वो मेरा आज पहुंच चुका है, तो मैं उसकी ही अनबॉक्सिंग आपके सामने भी कर रहा हूं। तो आप देखिए मैंने क्या मंगवाया है मीशो से। तो ये खास है आज विजयदशमी के लिए, तो मैंने स्पेशली ये 5-6 दिन पहले मंगवाया था, तो फाइनली आज पहुँच ही गया, पिछले कल ही पहुँचा है। तो मैं आज सुबह सुबह इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये 2 बॉक्स मैंने मंगवा रखे हैं। तो अगर आपने आइडिया लगा लिया होगा तो आप ध्यान से देखिए ये किस काम आने वाले हैं और इसका क्या लिंक है आज नवरात्रि के विजयदशमी के दिन वाला। तो आज मैंने करना है दुर्गा विसर्जन और साथ ही साथ ये भी मैंने आज मंगवाया। ये क्यों मंगवाया है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये काफ़ी ही खास है मेरे लिए जो मैंने आज इनको मंगवा रखा है मीशो से। तो मैं आपको आखिर इस बात से पर्दा उठा ही लेता हूँ कि मैंने आखिर ये क्या मंगवाया है। तो ये हैं बॉक्स, मतलब इसमें हम दाना देंगे चिड़िया के लिए। तो ये मैंने इस बार जो नवरात्रों का व्रत, मैं शुरू में ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं कुछ नया करूँगा इस बार नवरात्रों में। तो गौ सेवा में तो हम हर बार अपना योगदान देते ही हैं और अपनी गौशाला में गौ माता की सेवा करते हैं हर बार नवरात्रों में। तो इस बार हमने सोचा कि गौशाला चलो हमारी केयर में है, लेकिन कुछ ऐसे पशु होते हैं जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता है। आजकल दाना भी काफ़ी कम होता है, तो क्योंकि फसलें भी काफ़ी कम लगी है, तो इस वजह से मैंने ये बॉक्स मंगा रखे हैं। तो इनको हम अपने गौशाला में जहाँ हमारा शेड है वहाँ बाहर लटका लेंगे। तो ये देखिए, तो हमारी आज नवरात्रों का क्लोजिंग हो चुकी है। हमने जो भी यहाँ पे हमने अनाज रखा था नवरात्रि में माता रानी के पास, वही हमने इकट्ठा कर लिया है मिक्स करके, और उसमें आटा और चावल मैंने मिक्स किया है। तो इसके साथ ये मैं कुछ और भी अपने अनाज के से करूँगा, तो वो मैं मिक्स करके डाल दूँगा इस बॉक्स में। तो इसके बाद हमने जो नवरात्रि की जो हमारी हरियाली थी वो भी हमने अब विसर्जन के लिए मतलब अब ले जा रहे हैं सतलुज नदी की ओर। तो आप देख सकते हैं हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और साथ में है हमारे नक्षत्र राजा। तो हम आज जल्दी जल्दी जा रहे हैं और ये हमारा ब्लॉग भी काफ़ी फास्ट रहने वाला है। तो ये देखिए, मैं घर से स्टार्ट होकर सबसे पहले मैंने वहाँ पे अपनी क्लोजिंग करी, माता रानी का आशीर्वाद दिया और उनसे दोबारा अगले साल आने के लिए भी कहा। तो उसके बाद सीधा हम चल पड़े हैं सतलुज नदी की ओर। तो हमारी धर्मपत्नी साथ है आगे आगे और पीछे पीछे हूँ मैं। तो अब हम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, और जो हमारे बॉक्स है वो भी मैंने साथ डाल दिए गाड़ी में। तो वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि मैंने वो कहाँ लगाने और मैं कहाँ लगाऊंगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर दुर्गा विसर्जन। तो जो हमारा जो हमने जॉब भेजे थे वो हमारे काफ़ी लंबे लंबे हो गए थे, तो उन्हीं का विसर्जन करने के लिए हम जा रहे हैं अभी बिल्कुल जीरवाड़ी के साथ नदी के किनारे। तो ये देखिए, हमारी धर्मपत्नी अब इनका विसर्जन कर रही हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं, और माता रानी से ये भी कहेंगे कि हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना और हर बार इसी प्रकार से हमारे घर में आना। तो और जो हमने शुरुआत की है, जो हमारे पशु उनके लिए रखा है, तो वो भी हमारे मतलब सभी पे अपनी दया दृष्टि बना के रखना सभी जीवों में। तो फाइनली हम यहाँ से अब चल पड़े घर की ओर। तो जैसे ही हम गौशाला में पहुँचे तो वहाँ होते होते रात हो गई। तो ये देखिए बिल्कुल अब लाइटें यहाँ पर जल चुकी है, काफ़ी रात हो चुकी है, और मैंने ये टांग दिया, ये देखिए ये बिल्कुल मैंने बाहर टांगे हैं अपने जहाँ पे हमारी गौशाला है उसके बाहर हमने टांग दिए हैं। और यहाँ से अब जो आने जाने वाले पक्षी होंगे वो इनसे दाना चुगेंगे, और साथ ही साथ जो दूसरा है वो मैंने यहाँ आगे टांग लिया है। तो ये मेरा आज विजयदशमी के दिन जो मैंने कुछ आज करना था, वैसे दान तो हम करते रहते हैं, लेकिन कुछ दान ऐसा भी होना चाहिए जिनका कोई नहीं है। आप जानते ही हैं कि अब मनुष्य के लिए तो दान करने वाले 100 आदमी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं उनको दान देने के लिए काफ़ी लोग मतलब काफ़ी कम लोग आते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इस नवरात्र में यही खास कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ टांग दी है, तो इसमें यहाँ पर छोटे छोटे छेद है जहाँ से दाना बहा निकलेगा और यहीं से वो चुगेंगे। तो बाकी देखते हैं कि उनके जो पक्षी आएंगे तो उनके लिए यहाँ आसानी होगी कि नहीं होगी। तो ये जो हमारा यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं अभी अपने गौशाला के साथ में, तो वहाँ हमने काफ़ी अच्छे अच्छे फूल भी लगा रखे हैं, देखिए ये देखिए। और जो हमारी गौशाला है वो है यहाँ से नीचे, सामने आपको नज़र आ रही है, और अब रात हो चुकी है और हमारा जो विजयदशमी का दिन है, तो आज हमने इस तरह से मनाया। हमने माता रानी का आशीर्वाद लिया और जो हमारा ये कुरियर से हमने मंगवा रखे थे 2 बॉक्स, ये हमने अपने घर के बाहर लगा दिए, और यहाँ से अब सभी दाना चुगेंगे और अगली साल हम फिर से कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में। जय माता दी, जय श्री श्याम।